बैक टू आवर चैनल रूरल एकेडमी और बैटिंग ट्यूटोरियल वीडियो में आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको T20 में फास्ट बॉलर खेलना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों बेसिक से। तो जब भी फास्ट बॉलर यदि बॉलिंग कर रहा है, चाहे वो डेथ ओवर में करे, 1-5 ओवर में करे या फिर मिडिल ओवर्स में करे, तो कोशिश करें उसके माइंड को रीड कर सके। माइंड को रीड करने के लिए क्या है, तो सबसे पहले मैंने कहा कि आपको बॉल विजिबल होनी चाहिए। आप उसके कोई भी, चाहे वो फास्ट बॉलर हो चाहे वो स्पिनर हो, आप उनके बॉलर के बॉल को, हैंड को ही नोटिस करें। रिलीज करने के बाद ही अपना स्टेप आउट कर सकते हैं। हो सके आप आने दीजिए बॉल को, और आपके लिए थर्ड मैन का जो एरिया है वो खुला रहता है। कोशिश करता है जो बॉलर है वो आपको ऑफ साइड ऑफ स्टंप बॉल डाले, साथ ही साथ स्टंप में भी हिट कर सकता है। जब कभी भी वो बॉल ऑफ साइड ऑफ स्टंप डालता है, आप कोशिश करें कि केन विलियमसन करते हैं, शुरुआत में आप कम से कम 10-15 बॉल उसको थर्ड मैन की ओर सिंगल लेने के लिए देखें। यदि वो पैड मारने का प्रयास करता है तो ग्लांस कीजिए, सॉलिड डिफेंस कीजिए, तो निश्चित तौर पर आप इसमें रन बना सकते हैं। डिफेंस करने के साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि उनको ड्राइव भी कर सकें, क्योंकि आगे डालने का प्रयास करेगा। तो इसी चीज़ को फॉलो करके आप भी रन स्कोर कर सकते हैं। लेट्स ट्राई। तो गाइस, गार्ड के बारे में मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आप फास्ट बॉलर खेल रहे हैं तो ट्रिगर मूवमेंट करना जरूरी है। यहाँ पर ट्रिगर मूवमेंट का वीडियो जो है वो आ रहा होगा। बहुत जरूरी है कि जब कभी भी आप लेग स्टंप का गार्ड ले रहे हैं या फिर मिडिल स्टंप का गार्ड ले रहे हैं, मैं लेता हूँ लेग स्टंप का गार्ड ताकि इस पैर से पता कर सको कि ऑफ स्टंप कहाँ पे है। कवर करो मिडिल स्टंप, और हो सके तो बॉल के पीछे जाने का प्रयास करो। यदि लेंथ बॉल है तो पैर खींचे पीछे खींच के कोशिश करो कि उसको अपने बॉडी के पास खेल सको। तो गाइस, ध्यान रखें इस बात को, जब कभी भी आप फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, एक छोटी सी टेक्निकल जो चीज है वो है आपका बैक लिफ्ट। तो बैक लिफ्ट आप जितना ऊपर रखेंगे उतना ही अटेंशन ग्रैब कर पाएंगे, साथ ही साथ जो बॉल है उसको जल्दी से खेलने के लिए रेडी रहेंगे। जैसे कि आपने देखा कि हमारे जो फास्ट बॉलर है हेमंत साहू, उन्होंने बाउंसर लगाकर मेरे हाथ में लगाया है, उसके जस्ट बाद मैंने उनको चौका भी लगाया। तो कोशिश करें कि हाई आर्म बैक लिफ्ट से खेले। हाई आर्म बैक लिफ्ट आपको मतलब नहीं पता, तो जितना हो सके जब कभी भी आप बैट को पकड़े हैं तो जितना उठा के रखेंगे उतना ही जो बैट है वो स्पीड से आएगा और आसानी से आप बॉल को बिल्डिंग कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि फास्ट बॉलर को आप स्टेबल नज़र से देखें, साथ ही साथ बैक लिफ्ट जो है वो ऊपर करके रखें। सो गाइस, आई होप आप लोग को आज का वीडियो थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। और जो भी डाउट लगता है, क्रिकेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लगती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना जो डाउट है वो ड्रॉप कर दें। हम सारे मैसेज पढ़ रहे हैं और आप लोग को रिप्लाई करने का पूरा प्रयास भी करेंगे। आई होप सो कि आपको आज समझ में आया होगा कि कैसे आप लोग को खेलना है फास्ट बॉलर को, साथ ही साथ स्पिनर को T20 में, जिसमें मैंने आज बताया है बैक लिफ्ट के बारे में, साथ ही साथ और बताया है आप लोग को स्ट्रेट खेलने के बारे में। जितना हो सके दोस्तों सीधा खेलने का प्रयास कीजिए। सीधे बल्ले से जितना भी आप शॉट खेलेंगे तो खतरा कम रहता है आउट होने का, साथ ही साथ आप स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं। गैप ढूंढने का प्रयास कीजिए, थर्ड मैन का भी दिशा आपके पास खुला हुआ रहता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जिसका आप यूज़ करके आसानी से T20 में रन स्कोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा।